Hello everyone, this is Ashish Jain. This is a continuation video on process question. Last video में हमने first two question किए थे. चलिए question पर third पढ़ते हैं. From the following figures, show the cost of three processes of manufacture, the production of each process on to the next till completion. Process 1, process 2, process 3 given in wages and material, work overheads, production in units. स्टॉक गिवन है. अच्छा, इस बार आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है. ओपनिंग स्टॉक की डेट क्या देखे, 1 जुलाई 2020 एंड क्लोजिंग डेट गिवन है 31 जुलाई 2020, यानी कि एक महीने का डेटा आपको गिवन है. देखिए, आपको जब भी ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो तो आपको साथ साथ प्रोसेस अकाउंट तो बनाना ही है, साथ में आपको प्रोसेस आपको स्टॉक अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा फॉर ईच प्रोसेस. जैसे हम पहले बनाएंगे प्रोसेस 1, फिर बनाएंगे प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट, फिर प्रोसेस 2, प्रोसेस टू स्टॉक अकाउंट. ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से करते हैं. क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है बट इजी होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती. बट हाँ, इसमें आपको कॉस्ट पर यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो बहुत ध्यान से देखना पड़ती है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, पहले हम लिखेंगे प्रोसेस 1 में पहले है देखिए वेजेस एंड मटेरियल. अमाउंटिंग रुपीज 60,800. देन वर्क ओवरहेड्स 11,200. एंड देन प्रोडक्शन जो है, ये यूनिट्स भी गिवन है, यानी कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन की जो हुई है वो इतनी है, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिट्स में 72,000. अब देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में ना तो हमें नॉर्मल वेस्ट दे रखा, में नॉर्मल लॉस नहीं है, ना कोई एब्नो नॉर्मल है, कुछ नहीं है. देखिए, हमें प्रोडक्शन यूनिट्स की है 70, यानी कि प्रोसेस 1 में ओवर जो है 72,000 से प्रोडक्शन हुई है. तो क्या करना है, पहले बेसिकली आपको यहाँ पर लिखना है कि आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है कितनी यूनिट, 72,000. ये कैसे आई, क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस वर्क में सिर्फ 72,000 यूनिट से जो प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, सो बेसिकली पहले आपको लिखना है यहाँ पे और फिर लिखना है आपको यहाँ पे. ठीक है, तो अब देखिए टोटल करते हैं. यहाँ पर आएगा 72,000, यहाँ पर भी ये 72,000 ही आ रहा है, 72,000 and 72,000, which means यहाँ पर भी 72,000 आएगा. तो इसका मतलब क्या होगा, that means 72,000 units have been transferring from process A to process stock account at rupees 1. So यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको at rupee 1. ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. अब देखिए इस, अब आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए स्टॉक अकाउंट 1 जुलाई एंड 31 जुलाई को यहाँ पर देखिए प्रोसेस 1 में ब्लैंक है. तो फिर क्या करना है आपको, बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको यही पूरा अमाउंट बस यहाँ से ट्रांसफर करना है. आप जैसे यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट 72,000, बिकॉज यहाँ पर कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं. ठीक है, तो यही टोटल बन जाएगा. यहाँ पर लिख देंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट, वही सेम 72,000, बिकॉज मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं था. ठीक है, अब प्रोसेस बी में आते हैं. यहाँ पर लेकर लिखेंगे फ्रॉम प्रोसेस ए कितनी यूनिट ट्रांसफर हो रही है, 72,000, अमाउंट भी सेम आएगा. अब यहाँ पे कुछ एडिशनल देखिए खर्चा हो रहा है, वेजेस एंड मटेरियल 24,000, वर्क ओवरहेड्स 10,500,
ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी प्रोसेस बी में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, कुछ भी गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है प्रोसेस बी में, वो हम सारा का सारा जो है स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। सो इसका जो टोटल आएगा दैट इज आएगा है 1,06,500, 72,000 and 1,06,500। तो यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट, कितने यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं हम 72,000 रुपये, और उसकी वैल्यू कितनी है दैट इज 1,06,500। इसको डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में जो आपकी आएगी पर कॉस्ट जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी दैट इज रुपीज 1.47। ठीक है, अब ये सेम अमाउंट हम यहाँ पर ले देते हैं फ्रॉम प्रोसेस बी 72,000 यूनिट्स अमाउंटिंग रुपीज 1,06,500। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ओपनिंग क्लोजिंग था, यहाँ पर देखिए ओपनिंग क्लोजिंग आपको गिवन है, कितना गिवन है देखिए 8,000 and 2,000। सो वैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा ये, यहाँ पर लिखना है आपको 8,000। ठीक है, या फिर यहाँ पर आएगा क्लोजिंग बैलेंस कैरेट डाउन 2,000। ठीक है, अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखिए प्रोसेस ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है 8,000, ये ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि प्रोसेस ए से ये बी में आया होगा, तो प्रोसेस ए का क्लोजिंग बैलेंस कुछ जो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र हो गए थे एक तरह से। अब इसकी पोस्ट वैल्यू देखिए प्रोसेस ए में कितनी थी पर यूनिट कॉस्ट कितनी दैट इज़ ₹1, तो यहाँ पर ₹1 के हिसाब से लिखेंगे तो दैट मीन्स की वैल्यू कितनी है कि 8,000। सेम ऐसे इसकी वैल्यू कितनी होगी 2,000। ठीक है, बस अब हम टैली कर लेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट, टोटल ले जाएगा 80,000। दैट मीन्स हम ट्रांसफर करेंगे 6,000 यूनिट्स ट्रांसफर करेंगे, सॉरी 78,000, 1,12,500। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम प्रोसेस बी 78,000, अच्छा हाँ देन यहाँ आएगा 1,12,500, सॉरी यहाँ पर ना प्रोसेस सी अकाउंट आएगा। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल कुछ खर्चा हुआ है, वेजेस एंड मटेरियल 58,500, वर्क ओवर इट 12,000। टोटल कर देते हैं 78,000 एंड 1,83,000। सेम यहाँ पर भी नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल कुछ नहीं है, सो दैट मीन्स ऑल द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट 78,000 यूनिट्स। ठीक है, इसका भी हम पर यूनिट में आने कितनी आएगी दैट इज 2.35 पर यूनिट आएगा की वैल्यू। पहले लिखेंगे हम इसका ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन देखिए कितना गिवन था आपको 33 एंड 11,000,
33 यूनिट्स ओपनिंग में, 11,000 क्लोजिंग में। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी प्रोसेस बी के कोस्ट पर यूनिट यानी दैट मीन्स 1.47 के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर इसी हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 33,000 मल्टीप्लाई बाई 1.47 विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 48,510। सेम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आएगा 16,117। ठीक है, ट्रांसफर कर लेते हैं फ्रॉम प्रोसेस सी 78,000 यूनिट्स, इसकी वैल्यू कितनी है 183, टोटल कर लेते हैं 111,000 एंड 215,310। ये क्या आगे आपका फिनिश गुड्स आ गया आपका, वन लाख यूनिट्स हो जाएगी आपकी। इसका एक बार टोटल मैं चेक कर लेता हूँ, इसका जो टोटल है दैट इज 231,510, 231,510। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो देखिए पूरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन था, दैट मीन यहाँ पर कोई नॉर्मल लॉस भी नहीं था, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है ना, कोई एबनॉर्मल गेन है, सिंपल क्वेश्चन था। बट यहाँ पर आपको बस देखना है कि जब भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, सो दैट मीन्स यू नीड टू प्रिपेयर द प्रोसेस स्टॉक अकाउंट एज वेल। ठीक है, चलिए हम इससे रिलेटेड अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले हम 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं पहले हम। The product of a company passes through three different processes A, B, and C. Process, it is ascertained from the past experience that wastage in each process is incurred as process A 2%, process B 5%, process C 10%. देखिए last question में हमें जो है normal loss given नहीं था, but यहाँ पर given है। The percentage of wastage in each case is computed on the basis of number of units entering the processes concern. The wastage of each process has a scrap value. The wastage of process A and B sold at rupee 1 per unit and that of process E rupees 4 per unit. The company gives you the following information for the month of July 2020. Units of crude material were introduced in process A at a cost of rupees 8 per unit. That means units introduced kitni hui hai aapki, units introduced hui hai, यूनिट्स आपको गिवन नहीं है अभी तक, आपको आपको उसकी वैल्यू बताइए कितनी की, वो 8 रुपये के हिसाब से है। अच्छा, मटेरियल कंज्यूम है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, दैट मीन्स अगेन आपको यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग सब बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्टॉक गिवन है आपको, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अब देखिए यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितनी होगी यहाँ पर, यहाँ पर आप देखो ओपनिंग स्टॉक गिवन है 200 फर्स्ट जुलाई को, एंड उसकी कॉस्ट कितनी होगी आपकी, ये स्टूडेंट यहाँ पर एक्चुअली लिखा है जुलाई 2020, इसके बाद में मैंने वैल्यू मिस कर दी, यहाँ पर 2000 यूनिट्स ऑफ क्रूड मटेरियल आएगा, 2000 यूनिट्स ऑफ क्रूड मटेरियल आएगा। ठीक है,
सो मैं आपको इसको ठीक करके सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। तो यहाँ पर देखिए यूनिट्स इंट्रोड्यूस लिखते हैं यहाँ पर हम, कितनी है 2000, इसकी कॉस्ट कितनी थी 8 रुपीज़ ए, दैट मीन 16,000 हो जाएगी। अब देखिए खर्चा क्या क्या होगा, मटेरियल 8,000, डायरेक्ट लेबर 12,000, वर्क एक्सपीरियंस एक्सपेंसेस 2,000। तो मटेरियल 8,000, डायरेक्ट लेबर 12,000, वर्क एक्सपेंस 2,000। अच्छा अब आपको नॉर्मल लॉस भी गिवन, आपको कितना है 2%, 2% ऑफ वर्क, 2% ऑफ 2,000, विच मीन्स 400। अब इसकी कुछ सेल वैल्यू भी गिवन आपको, गिवन है यहाँ पर देखिए 8 रुपीज़ 1 पर यूनिट, सो दैट मीन्स 400 ही आएगा, बाकी रिमेनिंग ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट दैट इज अच्छा, यहाँ तक आपको कुछ और भी गिवन था। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आपको आउटपुट में वैल्यू गिवन आपको 1950, आउटपुट गिवन है आपको, यहाँ देखिए आउटपुट गिवन है 1950। तो अगर टोटल करोगे देखो यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है टोटल, देखिए यूनिट्स का अगर आप करोगे कितना आएगा 2,315, दैट मीन्स इस बार वैल्यू जो आपको यहाँ पर आ रही है 350 की, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एबनॉर्मल इफेक्टिव, या फिर इसको एबनॉर्मल गेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए यूनिट्स इंट्रोड्यूस की थी प्रोसेस ए में 2000 की, ठीक है। नॉर्मल लॉस हुआ 400 का, यानी कि एक्सपेक्टेड लॉस होना था 400 का, दैट मीन्स आपके हाथ में जो आउटपुट निकला था प्रोसेस ए से वो कितना आ रहा था 1600 आना था, बट एक्चुअली में आया कितना, दैट इज 1950। ज़्यादा आया होगा उसका रीज़न, मेन रीज़न क्या हो सकता है, इसका मतलब है कि आपका एक्चुअली में नॉर्मल लॉस ना कम हुआ होगा, दैट मीन जितना आपने सोचा उससे कम हुआ, तो बाकी जो हुआ क्या होगा एक्चुअली एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कभी 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 कभार, ठीक है, बहुत कम रेयर केस होता है कि कभी एबनॉर्मल गेन होते हैं, वही गेन है आपका, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस की हम कॉस्ट निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, ऐसे ही हम एबनॉर्मल इफेक्टिव की निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, पहले हम प्रोसेस ए की निकाल रहे हैं, कैसे निकालते हैं टोटल, मैंने कहा बोला था पहले हम टोटल करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, देखिए हमने सोचा था 2000 में से 400, तो सॉरी 2000 सॉरी हमें वैल्यू नहीं सोचा सॉरी। सो देखिए अगर आप टोटल करोगे पहले 16,000, 8,000, 12,000, 2,000, ठीक है, इनका टोटल आपका कितना आ जाएगा, दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 48,000, 24, 24, यस यहाँ पर आएगा 48,000, ठीक है। इसमें से लॉस कितना सोचा था आपने 400 का, ठीक है, आपने यूनिट कितनी सोची थी, अभी है मैंने यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितनी 200 की, लेकिन 400 सोचा था आपने नॉर्मल लॉस जाएगा, तो कॉस्ट पर यूनिट जो आनी थी वो आपकी कितनी आनी थी, दैट इज 23.5, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू भी अगर गेन हुआ तो वो भी आपको इसी के अकॉर्डिंग होगा, सो 350 मल्टीप्लाई बाय 23.5 व्हिच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 8,225, 8,225। तो बस पहले यहाँ पे टोटल कर देंगे यहाँ पर हम 2,350,
56,225 एंड बैलेंस यहां पर आ जाएगा आपका 36,000 आएगा, दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 46,225 बैलेंस रहेगा 45,825। ठीक है, पहले से हम बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन, कितना गिवन है देखिए 200 and 150 यूनिट्स, 200 and 150 यूनिट्स। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितने पे आएगी, देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन थी आपको स्टॉक वैल्यूएशन ऑन 1 जुलाई, ओपनिंग वैल्यू गिवन आपको 19 की है आपको। ठीक है, तो यह रहेगा आपका 3800, बट इसकी जो वैल्यू है 150 की वो आएगी एज पर कॉस्ट पर यूनिट। तो इसको हम कैसे करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 23.5। ठीक है, तो वो आएगी आपकी 3525। बस हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर हम फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट दैट इज 1950 एट 45,825 टोटल कर लेते हैं 2150 एंड दिस वुड बी 625। दैट मीन्स 2000 यूनिट्स हम प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करेंगे, इसका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है दैट इज 46,100। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस। अब प्रोसेस बी में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम प्रोसेस ए यूनिट्स 46,100। अब कुछ खर्चा भी होगा इसमें, कितना मटेरियल 3,000, डायरेक्ट लेबर 8,000, वर्क एक्सपेंसेस 1,000। सो मटेरियल 3,000, डायरेक्ट लेबर 8,000, वर्क एक्सपेंसेस 1,000। यहाँ पर देखिए नॉर्मल लॉस कितना हुआ था, नॉर्मल लॉस वो है 5%, 5% ऑफ 2000। सो यहाँ लिखेंगे नॉर्मल लॉस 5% ऑफ 2000 दैट इज 100 रुपीज। सो सेल कर रहे कितने पे, 1 रुपी पे, तो 100 आएगा इसका। देखिए आपका आउटपुट कितना गिवन है दैट इज 1925। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए अगेन ज़्यादा यूनिट हो रही है, तो यहाँ पर आपकी एबनॉर्मल गेन आएगा कितने का, 25 यूनिट का। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट, कितने पे करना है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालनी है, जैसे हमने अभी नहीं करा था, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है हमें, कॉस्ट
पर यूनिट ऑफ प्रोसेस बी, पहले टोटल कर लेते हैं, 46,100 प्लस ये हो जाएगा 12,000, तो टोटल हो गया 58,100। लेस करेंगे इसमें से नॉर्मल लॉस की वैल्यू, फिर आएगा एक्चुअल, हमने सोचा था 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, उसमें से नॉर्मल लॉस निकाल लेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 30.52। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये आएगी आपकी एट द रेट 32.5, सो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 25 को, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 763। तो बस टोटल कर देते हैं, अब फिफ्टी एट थाउजेंड सेवन सिक्सटी थ्री 2025। अब प्रोसेस स्टॉक बी हम बनाएंगे, पहले लिखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक वैल्यू एंड क्लोजिंग स्टॉक दैट इज बैलेंस कैरी डाउन। प्रोसेस बी का देखिए कितना गिवन आपको 300 एंड 400। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है आपको एट रुपीज 27 गिवन आपको, सो 300 मल्टीप्लाई बाय 27 8100, और इसको हम करेंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 30.52 जो भी हमारा आया था, ठीक है, उसको हम 400 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यार आपका 12,208। इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ एट रुपीज 30.52, एंड यहाँ पर आएगा एट रुपीज 27 जो आपको गिवन थी। अगर ये भी गिवन रहते तो अभी इसको भी हम 30.52 के अकॉर्डिंग कर दें, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट 1925 58,763। एक्चुअली हम कितनी ट्रांसफर कर रहे हैं, 1825 ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 54,655। फ्रॉम प्रोसेस बी 1825 54,655। अब यहाँ पर देखिए वही सेम मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वर्क एक्सपेंसेस जो है खर्चा हुआ होगा, कितना कितना हुआ है 2,000 6,000 3,000। इसमें नॉर्मल लॉस कितना हुआ है 10%, सो 10% ऑफ 1825, तो उसको तो देखिए हम राउंड ऑफ करना पड़ेगा, पर में नॉर्मल लॉस ये हो जाएगा आपका 183, ठीक है। इसको कितने पे बेचे थे, आई थिंक 4 रुपीज, यस 4 रुपीज पे, तो ये आपका जाएगा 732, ठीक है। अच्छा, इसका आउटपुट भी क्यों मैंने आपको एट इज 1590।
1590, सो दैट मीन्स यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एब्डोमेन लॉस आ रहा है, ये आपका रहेगा 52 का, ठीक है, 1825, सिक्सटी फाइव थाउजेंड 655, 55. तो यहां पर भी हमें कोस्ट पर यूनिट निकालनी है, ऑफ प्रोसेस सी टोटल हमने जो खर्चा किया दैट इज 65,000 655, उसमें से हम एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल लेंगे. टोटल जो हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करी है दैट इज 1825, उसमें से एक्सक्लूड करेंगे एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यू, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 39.54. सो यहाँ पर करेंगे एट द रेट 39.54, वैल्यू आपको जाएगी 2056. तो यहाँ पर बैलेंस भी अगर आपकी आएगी 62,867. अब ये वैल्यू जो है स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस कैरी डाउन फ्रॉम प्रोसेस सी अकाउंट 1590 62,867. इसका ओपनिंग क्लोजिंग देख लेते हैं कितना गिवन आपको 500. अच्छा क्लोजिंग गिवन नहीं है, सो 500 आ जाएगा यहाँ पर आपका. इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 36.5, सो यह रहेगा 18,250. बस अब तो अच्छा बैलेंस कर दूँ तो बचेगा नहीं, सॉरी यहाँ पर, सॉरी फिर लास्ट पोजिशन है. तो ये तो आपका फिनिश्ड स्टॉक आ जाएगा आपका सारा 2090. दिस इज द फाइनल आंसर. तो देखिए आज हमने जो इस लेक्चर वीडियो में जो हमने किया देखा है कि हमने कि जब भी हमें हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है होता है तो हमें सब प्रोसेस के साथ उसको स्टॉक अकाउंट भी गिव करना पड़ता है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है जो भी उसकी कॉस्ट आएगी वो नेक्स्ट प्रोसेस में हमें वही सेम लेके चलनी है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, सो बस ये है कि थोड़ा थोड़ा लाइक कंसनट्रेशन लेवल थोड़ा हाई रखना पड़ेगा ताकि मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम हो, ठीक है. अब हम इसका हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 रह गया है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.